इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के रामनगर में, और यहाँ के अगर प्रत्याशी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अनिल बलूनी को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में आइए लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बार, क्या कुछ होना है। अंकल जी, अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो क्या लग रहा है कि इस बार किस तरह का माहौल है चुनाव का माहौल चल रहा है? थोड़ा बहुत दोनों का ही चल रहा है, कांग्रेस भी चल रहा है, बीजेपी भी चल रहा है। करी बराबर करके होगा। प्रत्याशी के बारे में क्या सोचते हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी? वो ठीक है, बलौनी जी अच्छे, बलौनी जी उन्होंने पहले भी कोई काम कर रखा है यहाँ, अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा। बिना पद पर रहे हुए यार, वो सांसद थे राज्यसभा के, तब भी काम किया उन्होंने, और अभी और आगे को अच्छा करे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में क्या विचार है? अब उनके साथ हमारा ज्यादा इंट्रोडक्शन हुआ नहीं, लेकिन वो अभी नेता माने जा रहे हैं, पहले से भी अच्छे ही हैं, लेकिन हमने उनसे साथ संपर्क नहीं हुआ है, उनका कोई इतिहास हमको मालूम नहीं है। अच्छा। लेकिन अनिल बलूनी जी ने पहले भी काम किया? हाँ, यहाँ कई काम करवाए उन्होंने, जैसे ये रोडवेज है, ये धनगढ़ी वाला पुल है, ये उन्हीं की देन है, ये काम कराया उन्होंने। आप जानते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी? हाँ जानते हैं। कौन है? गोदियाल जी, नाम गोदियाल जी है नाम, लेकिन वो पहले शायद उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष रहे, शायद बाद में आए यहाँ, ये जहाँ तक ख्याल है। हाँ, अभी उम्मीदवार बनाए हैं। हमारा क्षेत्र ये है, पहली ये तो अभी भी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में है, तो ये लोकसभा क्षेत्र जो है ये पड़ता है पौड़ी में, ये उस हिसाब से कोना हो गया, यहाँ विकास कार्य उनके द्वारा नहीं हो पाएगा, नहीं करते, बहुत कम करते हैं इधर, वो अपने ही पौड़ी में करते हैं वो, ये है। चलिए देखते हैं, वक्त बताएगा क्या होगा, और कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो सोचते क्या है इस बार, किस तरीके का माहौल है, और जो लोग हैं वो क्या विचार रखते हैं। आप कहाँ से हैं? हम यही लखनपुर से। आप ये बताएं इस बार माहौल चुनाव में किसका लग रहा है? इस बार माहौल जो है चुनाव में तो बीजेपी का लग रहा है। किस वजह से? यहाँ की जो वोटर जो है, यहाँ के सभी जनता जो है इस समय ये चाहती है कि वोट जो है बीजेपी को जाए हमारा सबका। वजह होगी इसकी? वजह यह है कि उन्होंने काम किया है और काम सही किया है, और इस वजह से जो है यहाँ के लोग जो है बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताएं आप क्या सोचते हैं? जी मैडम, यही है हमारा विचार भी कि मतलब प्रधानमंत्री जी मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो अच्छा विकास, अच्छा काम कर रहे हैं वो, गरीबों हित में कई योजनाएं उन्होंने निकाली है, करीबी है, तो उसी से हम सहमत हैं कि मतलब आपके भी जो है तीसरी बार भी प्रधानमंत्री ही वो बने, मोदी जी बने। मोदी जी जी तीसरी बार के प्रधानमंत्री भी इस बार भी मोदी जी रहेंगे। चलिए वक्त बताएगा, तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं टेढ़ा रोड पर जो रामनगर क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो रिक्शा भी चलाते हैं। भैया आप बताएं इस बार चुनाव में किसका माहौल है, क्या लग रहा है? मोदी जी का ही माहौल है। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है कि कारण काम बहुत अच्छे कर रहे हैं उन्होंने, कोई भी जो बात होती है इंसाफ की होती है। अच्छा जी, नाम क्या आपका? हुसैन नाम है मेरा। तो आप बीजेपी को वोट करेंगे? बिल्कुल, जब काम अच्छे होंगे तो वोट भी उन्हें करेंगे। चलिए बढ़िया है, और भी कुछ लोग हैं इनसे भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं, कि ये सोचते क्या। आप बताएं इस बार आपके क्षेत्र में माहौल किसका है, क्या लग रहा है, कौन जीत कर रहेगा? अभी तक तो कुछ पता नहीं है, टक्कर है, दोनों पार्टी टक्कर की है। किस किस में टक्कर? मतलब बीजेपी की ज्यादा दौड़ चल रही है यहाँ पर। अच्छा। हर जगह बीजेपी की दौड़ चल रही है, बाकी तो नसीब है ऊपर वाले का। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं आप सब्जी बेचते हैं यहाँ पे? सब्जी बेचते हैं। आप बताइए आपके क्षेत्र में किसका माहौल है, क्या लग रहा है? बीजेपी सरकार चल रही है इस समय, तो बढ़िया काम, फर्स्ट क्लास। आपके क्षेत्र के उम्मीदवार अनिल बलूनी है जी, उनके बारे में क्या जानते हैं? अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छा काम करते हैं वो। नाम क्या आपका? मेरा नाम रुस्तम अली है। रुस्तम अली जी, तो आपको लग रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए? मोदी सरकार आनी चाहिए। किस वजह से? सब नाज मिल रहा है, साहब फ्री है, कॉलोनी मिल रही है, आवाज जो मिलता है, घर बनते हैं,
लेटरिन बाथरूम फ्री मिल लिया और क्या चाहिए आदमी को, फर्स्ट क्लास दे रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। आपको भी घर मिला? अभी मिला तो नहीं है, मिल जाएगा, लेटरिन मिली है मेरे को, लेटरिन मिल गई। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, देखते हैं अगर बात करें। आपको क्या लग रहा है आपके इलाके में किसका माहौल है, चुनाव में क्या होगा? मुझे तो मिली जुली सरकार लग रही है। अच्छा, किस वजह से? क्योंकि काम तो मोदी ने करा है। अब राजीव गांधी की और उनकी बात तो अलग थी, अब यह नया बच्चा अब पता नहीं क्या करेगा, जोश तो है भरा हुआ है ये, समझे? अब इनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। क्यों क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। अच्छा, आप वोट करने तो जाएंगे ना? हाँ, वोट करने जाएंगे। अब देखो किसको देते हैं, बता भाई तू, तेरा क्या विचार है? हाँ बिल्कुल, इनसे भी जानते हैं, युवा है तो ऐसे में इन लोगों को अपना विचार जरूर व्यक्त करना चाहिए। आप बताएं क्या सोचते हैं? मैं आपको मैम क्या बताऊं इस बारे में? कुछ बताइए जो आपको पता हो। सॉरी, इस मामले में कुछ नहीं। गुनाह है किस वजह से? कुछ क्या हो तो भी बुरा ही है, फिलहाल सही है, जो भी हो जाए भगवान भला करेगा, इसमें ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, भगवान सबका भला करे। और कुछ और भी लोग हैं जो सामान खरीदने के लिए आए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार आपके क्षेत्र में माहौल किस तरीके का है? क्या लग रहा है पता नहीं, महिलाएं हैं जिस आदि आबादी की बात हमेशा होती है और इनको पता नहीं है कि क्या माहौल है। लेकिन अगर लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं मिला जुला राय जरूर है लोगों का। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार इस बार के चुनाव में क्या कुछ होता है।